मिलने। एसपी सर से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी संदीप तिवारी उनका जो भतीजा है उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया, इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान मैं 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी फेरे के लिए उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे टेंट स्टेशन पे बुलाया जबरदस्ती कि नहीं आ पाओ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जो कि मैंने मना किया कि मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर जबरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही चिल्लाती रही लेकिन माने नहीं गए। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी, जैसे 5 दिन रहना फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज़ की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊँगा। देखिए, अभी वो आई थी और वो कह रही थी कि मैं 2007 में विडो हो गई थी और उसके बाद 2014 में मेरा उनके एक परिवार के व्यक्ति से संपर्क हुआ था और उसने मुझे शादी का झांसा दे करके अपने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसमें बताया कि उनके परिवार के भी कई लोगों ने बारी बारी से 2017 में जब चुनाव हो रहे थे संबंध बनाए मुझसे और अब शादी नहीं कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न घटनास्थलों का उल्लेख है, शुरुआत बॉम्बे से होती है, बनारस, भदोही। तो मैंने जाँच अपने DSSP को दे दी है, अब जैसे ही जाँच में आएगा उसी अनुसार में कार्रवाई करेंगे। उसने सर इसमें विधायक पर भी आरोप लगाए हैं क्या, जो भदोही के विधायक? हाँ, जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें आरोप लगाया है। सर कौन कौन लोग हैं उसमें? उनके परिवार के 4-5 लोग हैं उसमें। सर क्या नाम है उनका? अब नाम तो उनके एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं जिसमें विधायक जी भी हैं, उनका संदीप तिवारी है, उनका बेटा भी है, इन सबके नाम दिए हुए हैं। सर उसने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की भी बात की है, तो क्या कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको उपलब्ध कराई है? अब ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कह दिया कि जब जाँच होगी तो आप हमारे जो वो है जाँच अधिकारी उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसी के अनुसार है कि कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, कि इनसे खूब लंबी चीज बातचीत होती थी, शादी के लिए इंसिस्ट करती थी, उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। सो सब देख लेंगे हम उसको और जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। सर होटल की बात आ रही है जो भदोही में ग्लोरी होटल है, तो क्या होटल वगैरह भी जाँच की जाएगी उसमें? बिल्कुल, सभी बिंदुओं पर जाँच होगी, जहाँ जहाँ पर उन्होंने दिया है सभी बिंदुओं की जाँच होगी। ठीक है।